राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन बुरे फंस चुके हैं पहले आउट और नॉट आउट विवाद पर एम्पायर से उन्होंने बहस की। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। और अब वही बहस उन पर भारी पड़ गई क्योंकि बीसीसीआई ने भारी भरकम जुर्माना संजू सैमसन पर लगा दिया। संजू सैमसन अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स को मुकाबला तो जिता सकते थे लेकिन एक कैच कंट्रोवर्सी ने उन्हें आउट तो करार दे दिया और टीम भी हार गई। लेकिन अब बीसीसीआई ने फैसला कर लिया है कि संजू सैमसन पर भारी जुर्माना लगेगा और अब संजू सैमसन की मैच फीस जो है वो 30% काट दी जाएगी। बता दें लेवल 1 के दोषी पाए गए हैं। संजू सैमसन आउट होने के बाद एम्पायर से बहस की थी और दिल्ली के खिलाफ मुकाबला जो दिल्ली में चल रहा, संजू सैमसन की लड़ाई एम्पायर से देखने को मिली थी और एम्पायर उन्हें मना कर रहे थे कि सही फैसला दिया गया है, लेकिन संजू सैमसन लगातार अम्पायर से मैदानी अम्पायर से बहस करते रहे जो सब कुछ कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद मुकाबला तो राजस्थान रॉयल्स की टीम हार गई लेकिन संजू सैमसन को भारी भरकम जुर्माना देना होगा। तो क्या थी आउट और नॉट आउट कंट्रोवर्सी, आपको बताते हैं आखिरकार मामला क्या था। अगर आपने मैच नहीं देखा और आपको नहीं पता कि आउट और नॉट आउट कंट्रोवर्सी इस वक्त आईपीएल में क्या चल रही है और किस बात पे संजू सैमसन पर ये जुर्माना लगाया गया है तो आपको समझा दूं। दरअसल दिल्ली और राजस्थान का मुकाबला खेला जा रहा था और राजस्थान जीत के काफी करीब थी। अगर संजू सैमसन टिके रहते तो मुकाबला शायद राजस्थान रॉयल्स जीत जाती, लेकिन संजू सैमसन दिल्ली के खिलाफ 66 रन बनाकर आउट हो गए। 15 ओवर 4 बॉल पर मुकेश कुमार की गेंद पर वो आउट हो गए। मुकेश कुमार ने गेंद डाली, संजू का शॉट सीधे बाउंड्री पर शाही होप के हाथों में चला गया। ऐसा लग रहा था कि होप का पैर बाउंड्री पर लगा है। अंपायर को भी लगा कि शायद कैच में कुछ गड़बड़ है तो थर्ड एम्पायर को रेफर किया गया। थर्ड एम्पायर ने सारे एंगल से कैच को देखा, थर्ड अंपायर ने एक फैसला लिया और संजू सैमसन को आउट करार दिया। उनको लगा कि पैर जो है बिल्कुल भी बाउंड्री पर होप का नहीं लगा है, लेकिन कमेंटेटर थे जो वे बार बार कह रहे थे कि हल्का सा पैर जो है वो एक बार नहीं कम से कम दो बार लगा है। संजू को जैसे ही पता लगा कि उन्हें आउट करार दिया गया है तो संजू ने इस फैसले का विरोध किया और वो खुश नहीं दिखे। संजू ने मैदानी एम्पायर से भी बहस की जो कैमरे में कैद हुई। संजू DRS लेना चाहते थे लेकिन बाद में वो रुक गए। इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स के ओनर्स भी दिखे जो कह रहे थे कि लगातार कि आउट है ये आउट है, और दूसरी तरफ डगआउट में देखा गया कुमार सांगाकारा जो राजस्थान रॉयल्स के हैं वो लगातार इस फैसले पर गुस्से में दिख रहे थे। खुद संजू सैमसन गुस्से में दिख रहे थे क्योंकि ये मैच बेहद जरूरी था। ये मुकाबला जीत के सीधे प्लेऑफ में टीम क्वालिफाई कर जाती, लेकिन अभी भी 16 अंक हैं, लेकिन फिर भी संजू सैमसन ने जो बहस की उसके कारण उन पर 30% का जुर्माना लगा दिया गया। अब ये बहस कितनी सही थी कितनी गलत थी ये तो आप ही बता सकते हैं, लेकिन आउट और नॉट आउट कंट्रोवर्सी जो है वो पहले छोटी थी लेकिन अब काफी बढ़ चुकी है। हर कोई कह रहा है कि इस बार आईपीएल में काफी खराब एम्पायरिंग की गई है और पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार अंपायरिंग को लेकर आईपीएल में सवाल उठे हैं। और अब आउट और नॉट आउट कंट्रोवर्सी जो संजू सैमसन के साथ हुई है उसके बाद तो संजू सैमसन पर जुर्माना भी लगा दिया गया है। आपको क्या लगता है, संजू सैमसन आउट थे या नॉट आउट? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।